भारत की दूसरी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला विंध्याचल पर्वत की गोद में स्थित पन्ना भूदृश्य अपने सपूतों की वीर गाथाओं, अनूठे मंदिरों और हीरों की खदानों के लिए पूरी दुनिया में हमेशा से ही मशहूर रहा है। स्थानीय किंवदंतियों में पन्ना का संबंध महाभारत से भी जुड़ा माना जाता रहा है। कहते हैं कि अपने वनवास के दौरान पांडवों को पन्ना के घने जंगल इतने भा गए थे कि उन्होंने यहाँ के घने जंगलों में रुककर एक बड़ी लंबी अवधि बिताई थी। पांडवों के विश्राम स्थल के पास ही है पांडव प्रपात, जो अपने अद्वितीय सौंदर्य के कारण पर्यटकों में बहुत लोकप्रिय है। यहाँ के स्थानीय समुदायों का युगों युगों से पन्ना के वनों और वन्य प्राणियों से गहरा नाता रहा। इन्हीं संबंधों की मिसाल देते अनेकों प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र इन वनों में कई स्थानों में देखे जा सकते हैं, और इनमें से कुछ चित्र तो 10,000 वर्ष तक पुराने माने गए हैं। कितने आश्चर्य की बात है ना कि मानव ने अपने उद्विकास के बाद जिन जगहों को रहने के लिए चुना उनमें से हमारा पन्ना भी एक था। हम कितने खुशकिस्मत हैं कि आज भी अपने पूर्वजों की उन धरोहरों को देख पा रहे हैं। धरोहरों की बात हो और खजुराहो का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? पन्ना से कुछ ही दूरी पर स्थित खजुराहो के मंदिर, जो अपने शिल्प कर्म की उत्कृष्टता का एक नायाब नमूना तो है ही, साथ ही साथ इसका भी प्रमाण है कि वन्य प्राणी हमारे जीवन के हर आयाम का एक अहम हिस्सा है। कहते हैं कि अगर आप पन्ना आए और खजुराहो नहीं देखा तो आपकी यात्रा अधूरी ही मानी जाएगी। घने पर्णपाती जंगल, ऐतिहासिक अवशेष, अद्भुत अद्वितीय भू आकृतियां और सैकड़ों किस्म के असंख्य वन्य जीव, यह सब मिलकर पन्ना को एक विशिष्ट पहचान देते हैं। और इसी पहचान को संरक्षित रखने के लिए सन 1981 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का गठन हुआ था। तब से ही पन्ना को एक श्रेष्ठ वन्य प्राणी रहवास बनाने के प्रयास प्रारंभ हो गए। लगभग एक दशक के सतत परिश्रम के बाद जब यह जंगल वन्य प्राणियों विशेषकर बाघों से आबाद हो गए तो वर्ष 1994 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा भी दे दिया गया। विंध्याचल की गोद में फैले इन जंगलों ने बाघों की सल्तनत के उतार चढ़ाव के कई दौर देखे हैं, और एक बहुत ही बुरा दौर तो बस एक दशक पहले ही आया था, जब 2009 में पन्ना पूर्णतः बाघ विहीन हो चुका था। लेकिन परिस्थितियों से हार ना मानते हुए पन्ना के वन्य प्राणी प्रबंधकों ने दुगने जोश और मेहनत के साथ पन्ना को पुनः बाघों का रहवास बनाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। जंगलों की सुरक्षा पुख्ता की, वन्य प्राणियों के आवास को और बेहतर किया, फिर बांधवगढ़ और कान्हा टाइगर रिजर्व से एक एक मादा बाघ और पेंच टाइगर रिजर्व से एक नर बाघ लाकर पन्ना में मुक्त कर दिया। अच्छा सुरक्षित माहौल मिला तो मादा बाघिनों T1, T2 और नर बाघ T3 ने मिलकर पन्ना को एक के बाद एक बाघ शावकों की कई सौगातें दी। धीरे धीरे प्रबंधन के प्रयास रंग लाने लगे और 10 वर्षों में ही 50 से अधिक बाघों ने पन्ना भूदृश्य में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। बाघों का संरक्षण एक बड़ी जटिल चुनौती है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए कर्मचारियों की कर्मठता और जन समुदायों का सहयोग, दोनों घटकों की अपनी अपनी भूमिका होती है। पन्ना टाइगर रिजर्व को एक बेहतर वन्य प्राणी आवास बनाने के लिए टाइगर रिजर्व के समीप रहने वाले समुदायों के हर एक व्यक्ति ने अपना पूरा पूरा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समर्थन दिया। दूसरी ओर जंगलों की कठिन परिस्थितियों में भी कर्मचारियों ने अपना 100% देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और कुशल नेतृत्व के साथ पन्ना टीम ने दुनिया के सामने पन्ना बाघ पुनर्स्थापना कार्यक्रम के रूप में एक अनूठी मिसाल खड़ी कर दी। आज पन्ना के जंगलों में उन्मुक्त घूमते ये बाघ इस बात का सबूत है कि
10 सालों तक सभी के मिलकर किए गए सतत प्रयास व्यर्थ नहीं गए। आज पन्ना बाघ पुनर्स्थापना कार्यक्रम की धाक पूरी दुनिया में है, जिसे कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। अब देश विदेश के वन्य प्राणी विशेषज्ञ और वानिकी छात्र यहां देखने और सीखने आते हैं कि तेजी से बदलती दुनिया में बाघों का संरक्षण कैसे किया जाता है। बाघ संरक्षण का तो उद्देश्य ही है कि ना केवल बाघ बल्कि पूरी खाद्य श्रृंखला और वन्य प्राणी रहवास को सहेजा जाए। पन्ना बाघ पुनर्स्थापना कार्यक्रम का लाभ हमारे राजा बाघ के साथ साथ उसकी प्रजा को भी पूरा पूरा मिला। तभी तो पन्ना के जंगलों में तेंदुए भी इतने फल फूल रहे हैं, और शर्मीले स्वभाव होने के बावजूद भी पन्ना के जंगलों में तेंदुए बड़ी सहजता से दिख जाते हैं। खड़ी चट्टानों और ऊंचे पेड़ों पर लटकते मधुमक्खियों के अनगिनत छत्ते और पूरे जंगल में मिलने वाले रसीले मीठे किस्म किस्म के जंगली फल पन्ना के जंगलों को भालुओं की भी पसंदीदा जगह बनाते हैं। इधर उधर घूमते फिरते चीतल सांभर नील गायों के भी क्या कहने, वे तो यहां सैकड़ों की संख्या में दिख जाते हैं। एक और विशिष्ट वन्य जीव है जिसके संरक्षण के लिए पन्ना प्रसिद्ध है, गिद्ध। पूरे भारत में जब गिद्धों की संख्या में तेजी से गिरावट हो रही थी, तब पन्ना के जंगलों ने हर वो संसाधन उपलब्ध कराया जो गिद्धों के जीवन के लिए जरूरी थे। बढ़ते बाघों के साथ तो गिद्धों के खाने के लिए भी भरपूर खाना उपलब्ध रहने लगा, और फिर क्या ही था, बाघों के साथ गिद्ध भी पन्ना की खास पहचान बन गए। जिन पहाड़ों पर इन गिद्धों का आवास है, उसी को चीरते हुए बहती है केन नदी, जो न जाने कितने हजारों सालों से पन्ना के अस्तित्व में हमेशा से एक अहम भूमिका निभाती आई है। जीवनदायिनी केन नदी, जो घड़ियाल, मगर, कछुओं जैसे न जाने कितने ही जलीय जीवों का घर भी है। और इस केन नदी में ही है रनेह प्रपात। हरे लाल गुलाबी रंग की चट्टानों के बीच यह प्रपात निस्संदेह भारत के सबसे खूबसूरत, सबसे आकर्षक जलप्रपातों में से एक है। वैसे तो पूरी केन नदी घाटी का सौंदर्य ही अद्भुत है, पर सूर्यास्त के समय बहते सोने सी चमकती यह नदी अलौकिक दृश्य निर्मित करती है। पन्ना, जिसने कभी छत्रसाल जैसे यशस्वी राजा का वैभव देखा, वह राजा छत्रसाल जिन्हें आशीर्वाद था कि छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे तित तित फत्ते होए, यानी राजा छत्रसाल का घोड़ा जिस ओर भी जाएगा उसे वहां हमेशा विजय ही मिलेगी। कोई आश्चर्य नहीं कि पन्ना की भूमि में पैदा हुए बाघ भी जिस जिस ओर बढ़ते जा रहे हैं, वहां वहां उनका साम्राज्य स्थापित होता जा रहा है। पन्ना के बाघों ने टाइगर रिजर्व की सीमा तो कब की पार कर ली थी, अब तो उन्होंने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अन्य संरक्षित क्षेत्रों में भी जाकर अपने राज्य स्थापित कर लिए। पन्ना प्रबंधन ने तो अपने उत्तरदायित्वों का पालन कर एक अनमोल धरोहर हमें सौंप दी है। अब यह हमारा दायित्व है कि बाघों के पन्ना साम्राज्य के सूरज को कभी अस्त ना होने दें। हम सबके सम्मिलित प्रयासों से टाइगर रिजर्वों के ताज के इस अनमोल रत्न पन्ना और उसके बाघों की शान पूरी दुनिया में यकीनन ऐसे ही फैलती रहेगी।